देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो हम बोले थे कि आज जो है मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में जो है रियल नंबर वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आप मेरे व्हाट्सएप पे या कॉमेंट सर के थ्रू जो है मतलब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सब भेज दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आरटीआर वाल का भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जहां से भी अगर प्रॉब्लम होगा वो पूछ लीजिए। पर बहरहाल आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके का नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है बाबू? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात बताओ बाबू, हम लोग 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे ना? यस सर। बहुत सारा बहुत पॉलिनोमियल का उसमें हम लोग क्लास में यानी 9th क्लास में डिस्कस किए भी थे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, सारा टर्म होता है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बोले थे कि नहीं बोले थे? पॉलिनोमियल वो पहचानने के लिए पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम क्या बोले थे, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर के शक्ल में होगा तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर फ्रैक्शन की शक्ल में हो या नेगेटिव पावर होता है जिसका यानी डिग्री नेगेटिव होता है, या फ्रैक्शन की शक्ल में होता है या उसका वेरिएबल से रूट चढ़ा हुआ होता है, तो हम उसको कहते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? ये सब चीजों को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, मेन चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। अब एक बात बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है बाबू वो एक होता है वन वेरिएबल वाला और एक होता है टू वेरिएबल वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो कितने तक का डिस्कस करेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और मेनी वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब यह होगा कि जिसमें अच्छे पहले ये बात बताओ, 9th क्लास में हम ये भी डिस्कस किए थे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, डू यू नो अबाउट वेरिएबल? वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रखता है, जिस वैल्यू कभी बदलेगा नहीं, उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेंट कहा जाता है। वैसा है सिंबल अपना वैल्यू फिक्स्ड रखा उसी को ना कॉन्स्टेंट कहते हैं। जैसे एक बात बताइए, किसी क्वेश्चन में x बाई 2 लिखा हुआ है, अब किसी और दूसरे क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, किसी और क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ, तो कहीं किसी क्वेश्चन में हम 2 को 4 पढ़ देंगे, किसी क्वेश्चन में 2 को 3 पढ़ेंगे, और किसी क्वेश्चन में 2 को 2 पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। 2 कॉन्स्टेंट होता है, यानी 2 हर लिखा होगा तो 2 2 ही होता है, यानी 2 जो है वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट कहलाता है। उसी तरह वेरिएबल क्या है, जिसका वैल्यू होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता, वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे एज एग्जाम्पल हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं, बताइए जैसे अभी हम कुछ बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम किए होंगे प्रीवियस क्लास में, एक्स का वैल्यू अभी कुछ और निकला होगा, एक्स का वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ और निकला होगा, किसी क्वेश्चन में कुछ और निकला होगा, यानी एक्स का वैल्यू चेंज हुआ है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या जाएगा, जिसका वैल्यू बदलता है तो उसको वेरिएबल कहा जाता है और जिसका वैल्यू नहीं बदलता उसको कॉन्स्टेंट कहा जाता है। तो बहरहाल हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, मेन डिस्कस करना है कि पॉलिनोमियल में हमको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और मेनी वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो पॉलिन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब क्या, सिर्फ उसमें सिंगल वेरिएबल होगा, अगर एक्स है तो एक्स ही होगा, वाई है तो वाई ही होगा, जेड है तो जेड ही होगा, टी है तो टी ही होगा, ए है तो ए ही होगा, यानी सिंगल वेरिएबल होगा। जैसे अभी हम एक चीज लिख रहे हैं 2x + 5, इसमें सिंगल वेरिएबल है। जैसे एग्जाम्पल में ये लिख रहे हैं 2x + 5, सभी में एक्स है कि नहीं है, सिंगल वेरिएबल हो गया ये, और 3x³ + 4x + 5 ये सिंगल वेरिएबल वाला है। अब मेन वेरिएबल वाला जैसे 3x + y + 5 ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल है कि नहीं, इसमें x और y 2 वेरिएबल है, एनी वेरिएबल हम कौन ले मेन वेरिएबल यानी x का 3x + 4y + 3z, इसमें बहुत सारा है कि नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल है, अगर मेनी वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है तो हमको पढ़ना है, जो पढ़ना है पॉलिनोमियल में वो किसके बारे में पढ़ना है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ना। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में बांटा गया, पॉलिनोमियल को पहले 2 पार्ट में बांटा गया, बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्रायनोमियल, टेट्रानोमियल, हेक्सानोमियल,
पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेटानोमियल, ऑक्टानोमियल, ये तो हम पढ़े हैं, की पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में टर्म के हिसाब से। यानी आप इसमें कितना टर्म है, ये 1, 2, 3, इसमें 3 टर्म थे। इस पॉलीनोमियल का नाम क्या होगा, अनवेरिएबल ट्राइनोमियल, अनवेरिएबल ट्राइनोमियल है ये। इसमें भी ट्राइनोमियल है मगर टू वेरिएबल, नहीं वन वेरिएबल, यहाँ थ्री वेरिएबल ट्राइनोमियल है। यानी वेरिएबल यानी टर्म के हिसाब से देखा जाए तो पॉलीनोमियल के बहुत सारे टाइप है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगा, ये उसके बाद जिसमें दो टर्म होगा उसको बाइनोमियल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर शॉर्टली लिख करके बता देते हैं, वन टर्म, दो टर्म होगा, तीन टर्म, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, जिसमें वन में होगा उसको कहा जाता है मोनोमियल, उसको मियल ला देंगे, जिसमें टू होता है उसको कहा जाता है बाई। आप लोग इसको याद रखिएगा, आपको केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसीलिए याद रखिएगा ऑर्गेनिक। अब जैसे कार्बन मोनो, ऐसे केमिस्ट्री का एक शब्द एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यानी जिसमें एक ऑक्सीजन होता है शून्य कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। यानी एक ऑक्सीजन से मोनो हो गया, जिसमें दो ऑक्सीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दो ऑक्सीजन हो गया इसीलिए डाइऑक्साइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी क्लोरीन चार है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी चार कार्बन को टेट्रा कहा जाता है। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि बाई और डाई को कहा जाता है ट्राई, थ्री को ट्राई कहा जाता है, और फोर को क्या कहा जाता है बाबू, फोर को कहा जाता है टेट्रा, फाइव को पेंटा, सिक्स को हेक्सा, सेवन को हेक्सा, एट को ऑक्टा, ठीक है। तो ये पॉलीनोमियल, ये आप बस बता रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा तो ये आज याद रखे रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बात और बता दें कि इसमें एक और भी इस्तेमाल होता है, बाई डाई हो गया, क्वाड्रेटिक भी इस्तेमाल होता है, क्वाड्रेटिक। ये तो हम बदले, ये तो मोनोमियल में हो गया, जिसमें एक टर्म होगा उसको मोनोमियल, भाई एक टर्म होगा मोनोमियल, दो टर्म होगा बाइनोमियल, तीन टर्म होगा ट्राइनोमियल, चार टर्म होगा ट्रिटोनोमियल, पांच टर्म होगा पेंटानोमियल, सिक्स टर्म होगा हेक्सानोमियल, सेवन हेप्टानोमियल, ये हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिग्री किसको कर, डू यू नो अबाउट डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री के बिना पर ही पॉलीनोमियल को क्लासिफाई किया गया बाबू, जिसका डिग्री वन होगा, जिसका डिग्री वन होगा मैक्सिमम पावर वन होगा उसको लीनियर कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता बाबू, लीनियर। जिसका डिग्री टू होता है उसको क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। जिसका थ्री होता है उसको क्यूबिक कहा जा रहा है बाबू, और जिसका पावर फोर होता है उसको बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ये चीज हमको करना है, तो ये अभी तो हम तुमको समझाने के लिए लिखे, जब हम नोट देंगे तो वो बाजार से एकदम सिस्टमेटिक लिखा हुआ होगा, उसमें कैसे क्या किया गया नहीं किया गया। तो पहले बात हम कंक्लूड कर लेते, पॉलीनोमियल का स्टडी चैप्टर है तो बाबू पॉलीनोमियल जो है, सबसे पहले पॉलीनोमियल के बारे में, पॉलीनोमियल जो आया है यह मैथमेटिक्स के अंदर में, पॉलीनोमियल आने का क्या मकसद है, क्या कारण है कि पॉलीनोमियल को हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते, इसका कोई ना कोई इंपोर्टेंस होगा तभी तो हमको पढ़ाया जा रहा है। इसमें हम लोग एक वर्ड एक चीज का दूसरे चीज के साथ रिलेशन दिया हुआ रहता है, उसके बिना पर इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जो मैं पॉलीनोमियल का इस्तेमाल करते हैं, यानी अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, अलजेब्रा पॉलीनोमियल है। तो पॉलीनोमियल आया कब है बाबू, पॉलीनोमियल जो आया वो 17th सेंचुरी आया, इसको लाने वाले कौन थे, रेने डिस्कार्टे थे, उन्होंने ही पॉलीनोमियल का दो वैल्यू निकाला, पॉलीनोमियल का कितना वैल्यू निकाला था, दो वैल्यू निकाला था। हम इसको सिस्टमेटिक नोट के थ्रू आपको भेज देंगे, एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू जो होता है वो 2, 3, 4, 5 रियल वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू जिसका रूट अंडर निगेटिव, जिसका रूट अंडर क्या हो, निगेटिव। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात, रूट 3 ये रियल है बाबू, रूट 5 रियल है, अगर यही बोल दे -3, -√5 ये क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया बाबू, -√3 इमेजिनरी -√5 इमेजिनरी। एक बात आप बता दे, जब कोई का रूट अंडर वैल्यू निगेटिव होता है तो आज तक हम उसका निकालना ना, ठीक है,
जब आप 11th क्लास में रहेगा इस रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर एक नया नंबर को एस्टेब्लिश किया जा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप 11th क्लास में पढ़िएगा। यानी ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों को जोड़ करके जो एक नया नंबर बनाया गया उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कभी आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा 11th क्लास में तो ये बात याद रखिए कि हमको नए 10th क्लास में माने सर ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वैसा नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पॉलीनोमियल का दो वैल्यू निकलता है, एक रियल वैल्यू निकलता है और एक क्या वैल्यू निकलता है? इमेजिनरी वैल्यू निकलता है। तो यानी रूट का हो गया जिसका निगेटिव वैल्यू निकल रहा है वो इमेजिनरी वैल्यू हो गया, जिसका पॉजिटिव वैल्यू निकला रूट के अंदर वो क्या हो गया? रियल वैल्यू हो गया। ये सब चीजों के बारे में आप लोग पढ़े और ये हम लोग टर्म के हिसाब से हमने पॉलीनोमियल को डिवाइड किया, डिग्री के हिसाब से पॉलीनोमियल को डिवाइड किया। बहरहाल हमको ये सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको मैं पढ़ना है बाबू पॉलीनोमियल के अंदर क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ना है, क्यूबिक पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ना है और बाय क्वाड्रेटिक, यानी तीन तरह के पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ना है। कितने तरह के पॉलीनोमियल के बारे में हमको पढ़ना है? लीनियर के बारे में आपको पढ़ना है, लीनियर के बारे में क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक, यानी तीन पॉलीनोमियल के बारे में हमको डीपली पढ़ना है। तो ये चीज हम आपको बता दिए कि पॉलीनोमियल सबसे पहले किस सेंचुरी में ये चीज आया है, पॉलीनोमियल के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया 14th सेंचुरी में। किसने किया था? रेने डिस्कार्टे ने ही किया था, किसने भी लाया है? रेने डिस्कार्टे ने किया था, ठीक है। तो पॉलीनोमियल को वन वेरिएबल वाला पॉलीनोमियल है, एक चीज और बता दे बाबू कि पॉलीनोमियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो पॉलीनोमियल में एक तीन चीजें आपको पढ़ी होगी, हम पढ़ाए भी है 9th क्लास में, पॉलीनोमियल इक्वेशन एंड इक्वलिटी। आप लोग के ये नाम 9th क्लास में सुने होइएगा, हम क्लास में बता दी थे कि हम पॉलीनोमियल भी पढ़ते हैं इक्वेशन भी पढ़ेंगे मगर इनइक्वालिटी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे। पॉलीनोमियल किसको कहेंगे? इक्वेशन किसको कहेंगे और इनइक्वालिटी किसको कहेंगे? एक बात बताओ बाबू, ये अभी तुम लोग मैथमेटिक्स का बुक अगर खोले होगे उसमें एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और एक चैप्टर है बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं है? यस सर। हेलो, इनइक्वालिटी तो आपके सिलेबस में है ही नहीं मगर अभी हम ज्यादा डिस्कशन कर देते कि ताकि आपको अच्छा भाई आज चल के दिक्कत नहीं हो। तो पॉलीनोमियल जो होता है ना बाबू उसमें इक्वल का सिंबल नहीं लगा होता है। पॉलीनोमियल में क्या होता है? इक्वल का सिंबल नहीं लगा होता है। जैसे आप हम बता रहे हैं 3x + 4x + 4x + 5 ये क्या हो गया? पॉलीनोमियल हो गया। 3x³ + 4x² + 5x - 9 ये सब क्या हो गया? पॉलीनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ना इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन ना है, इसलिए ये पॉलीनोमियल हो गया। इक्वेशन में क्या होगा? इक्वेशन में देखिए यही चीज लिखा हुआ है 3x² + 4x मगर इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ, इक्वल टू जीरो लिखा हुआ ना, तो ये क्या हो गया? आपका इक्वेशन हो गया। ये क्या होगा? ये इक्वेशन होगा। उसी तरह 3x³ + 4x² + 5x - 9 = 0 ये भी क्या हो गया आपका बाबू? ये भी हो गया आपका इक्वेशन हो गया। अब इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी सिंबल समझ सकते हैं, इनइक्वालिटी सिंबल होता है, सिंबल है इनइक्वालिटी सिंबल लिखते हैं, इनइक्वालिटी सिंबल सिंबल। इनइक्वालिटी सिंबल क्या? ये सिंबल देखे कभी आप बचपन में पढ़िएगा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल देखे? यस सर। सो नॉट इक्वल टू भी, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर किसी पॉलीनोमियल में ये सिंबल आपका सिंबल अगर लगा हुआ है समझ जाइए कि ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है। अब जैसे हम ऐसा लिख ये चीज को लिख रहे हैं 3x² + 4x + 5
स्मॉलर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या है, ये इनफिनिटी हो गया। उसी तरह ये लिखा हुआ 3x³ + 4x² + 5x - 9 > 0, तो ये सब क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। तो आपको आपके बात से यानी पॉलिनोमियल के चैप्टर में हम लोग तीन चीज डिस्कस किए, क्या चीज डिस्कस किए, पॉलिनोमियल को डिस्कस किए, इक्वेशन को डिस्कस किए, इनइक्वालिटी को डिस्कस। एक चीज और बताते बाबू, कभी भी अगर आप बुक खोले होइएगा तो पॉलिनोमियल में कहता है जीरो निकालने के लिए और इक्वेशन में क्या कहता है, रूट निकालने के लिए। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल का क्या निकलता है, जीरोज निकलता है। पॉलिनोमियल का क्या निकलता है, जीरोज निकलता है। और यानी इसका जो वैल्यू निकलेगा वो जीरो जोड़ा, इसमें एक्स का वैल्यू निकलेगा वो जीरो जोड़ा, और ये इक्वेशन में क्या होगा, ये जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो रूट होगा, वो क्या होगा, रूट होगा। ये भी क्या होगा, रूट होगा। इक्वेशन में निकलता है वो रूट निकलता है और पॉलिनोमियल में जो निकाला जाता है वो जीरो निकलता है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको जब भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल ना पढ़िएगा अगर, तो उसमें हमेशा लिखा हुआ रहेगा पॉलिनोमियल के अंदर फाइंड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, ये द जीरो ऑफ द गिवन, फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेगा फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल का जीरो दिया रहेगा, लिखा रहेगा रूट दिया हुआ तब उसका कहेगा। तो ये बात याद रखेगा, आज के जब भी पॉलिनोमियल के बारे में लिखिएगा तो फिर जीरो लिखेगा ना फिर रूट लिखेगा, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोग नहीं जानते रहे होइएगा, मगर आज समझ में आ गया कि हम पॉलिनोमियल के अंदर में जीरो लिखते हैं मगर इक्वेशन के अंदर में रूट लिखते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस किए। बात ये, अब हम लोग जो पढ़ने जाए बाबू, हम लोग को जो फिर पढ़ना है किसी चीजों के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तीन पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। चलिए हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल के अंदर क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज टू, हुज डिग्री इज टू, जिसका डिग्री टू होता है उसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जी यानी क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज टू, जिसका डिग्री टू होता है इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। सर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलिएगा, नहीं लीनियर का मतलब हो गया पावर वन, लीनियर का मतलब हो गया पावर वन, लीनियर इसमें पावर क्या होगा, टू, जहाँ डिग्री टू है वहां, जहाँ डिग्री वन होता है उसको कहा जाता है लीनियर, जहाँ डिग्री टू होता है उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक। अब ये हम समझ गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कहा जाता है जिसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा, टू होगा, उसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मालूम है बाबू, के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी इसका मतलब यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस फॉर्म कैसा है, ये होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये फॉर्मेट पे होगा जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म ये होगा तो, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता बाबू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के टर्म में भी हो सकता है, या फाइनली ए एक्स स्क्वायर हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहचाने के बारे में कहा जाए कि पहचाने की ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप कैसे पहचानेगा कि सभी में एक स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए, भले ये दो टर्म रहे चाहे नहीं रहे, दोनों टर्म रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं,
नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना जरूरी है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसी में ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब एक बात ये बता रहे हैं कि आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया होगा गया होगा पॉलीनोमियल में जिस पॉलीनोमियल का डिग्री जितना होता है उसका जीरो जीरो उतना ही निकलता है, बताया गया है या नहीं बताया गया? Yes, sir. नाइन्थ क्लास में जिस पॉलीनोमियल का डिग्री जितना निकलता बताया गया था। अब एक बात बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कितना जीरोज निकलेगा, बताइए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कितना जीरोज निकलेगा, क्योंकि इसका डिग्री दो है तो पॉलीनोमियल का भाई जीरोज कितना निकलेगा, टू निकलेगा, दो सर, दो टू जीरोज। पहला जीरो का नाम है, फर्स्ट जीरो अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेकेंड जीरो से किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री का बहुत ही ज्यादा रोल है मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में डिग्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंट है। तो कोफिशिएंट किसको कहते हैं, किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ होता है उसी को ना कहा जाता है कोएफिशिएंट। बाबू अब बताओ यहाँ एक स्क्वायर के बगल में क्या लगा हुआ, ए लगा हुआ है तो ए क्या है बाबू, कोएफिशिएंट है कि नहीं है। एक के बगल में क्या लगा हुआ, बी लगा हुआ, बी क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को जो सॉल्व करेंगे इसमें कोएफिशिएंट का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। तो आप भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको कंक्लूड कर लेते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, उसके बाद हम लेसन को मतलब आगे बढ़ाएंगे हम लोग। बाबू आज जो पॉलीनोमियल चैप्टर बढ़े ये पढ़ा किसमें जा रहा है, अलजेब्रा के अंदर जा रहा है। किसमें पढ़ा जा रहा है, अलजेब्रा के अंदर पढ़ा जा रहा है। तो अलजेब्रा आया कहाँ से है, अलजेब्रा कहाँ से है बाबू, अलजेब्रा जो है एक अरबिक लफ्ज़ अलजबर से आया है। अलजेब्रा कहाँ से आया है, अलजबर से आया है, अलजेब्रिक वहां से आया है। और अलजेब्रा के अंदर बाबू म्यूट हो जाइए, अलजेब्रा के अंदर जो है हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो पॉलीनोमियल कह रहे कि इसको पहले ओरली हम आपको समझा दे रहे हैं कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या होगा, जिसमें वेरिएबल होगा कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट होगा वेरिएबल होगा कॉन्स्टेंट होगा और ये दोनों कनेक्टेड होगा किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लीकेशन या डिविजन से कैसे होगा उसी को क्या कहा जाता है भाई, उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, अगर पूछा जाए व्हाट इज, ये पूछा जाए कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी है और कॉन्स्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और कॉन्स्टेंट भी है, और ये दोनों टर्म अटैच किस से, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस से अटैच है, किस से अटैच है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इससे प्लस से, और बीच में क्या बी आई टू एक्स टू बी है, इसका मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये हम बायोलॉजी में लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उस बार हम लोग को क्या पढ़ना था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जान गए, उसके बाद हम लोग वेरिएबल को जान गए, कॉन्स्टेंट को जान गए। तभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है, तभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं एक्स टू दावर माइनस टू प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स टू दावर वन बाई टू प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये तीन पॉलीनोमियल तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे है। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स टू दावर माइनस टू प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स टू दावर वन बाई टू प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब बताओ ये पॉलीनोमियल है, ये दोनों पॉलीनोमियल नहीं है, नॉट पॉलीनोमियल, क्यों, क्योंकि इसका पावर माइनस में है और फ्रैक्शन में। तो ये पॉलीनोमियल के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल किसको कहते हैं, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसका डिग्री होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉलीनोमियल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पॉलीनोमियल को क्लासिफाई किया गया बाबू दो पार्ट में, एक हो गया वन वेरिएबल वाले में और एक हो गया मेन वेरिएबल वाले में। वन वेरिएबल यानी जिसमें वेरिएबल की जो कि प्रीजेंट
प्रेजेंट से होने की वजह से देखा गया कि कुछ पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें सिंगल वेरिएबल है और कुछ पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो जो इसमें सिंगल वेरिएबल है उसको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी रखा गया, जिसमें बहुत एक ज्यादा वेरिएबल है उसको मेनी वेरिएबल पॉलिनोमियल में। अब दूसरी बात यह आया कि पॉलिनोमियल के अंदर बाबू बहुत सारा टर्म होता है, एक यानी सिंगल टर्म वाला होता है, डबल टर्म वाला होता है, ट्रिपल टर्म वाला होता है, फोर टर्म वाला, फाइव टर्म वाला होता है। तो यानी टर्म के एतबार से, टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को कई पार्ट में बांटा गया, जिसमें एक टर्म होता है मोनोमियल कहा जाता है, जिसमें दो टर्म होता है बाइनोमियल कहा जाता है, जिसमें तीन टर्म होता है ट्रायनोमियल कहलाता है, इसी तरह जिसमें 10 टर्म होता है उसको डेकनोमियल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए बाबू कि पॉलिनोमियल में पावर के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, जिसका पावर वन होता है, जिस पॉलिनोमियल का पावर वन होता है उसको लीनियर कहा जाता है, जिस पॉलिनोमियल का पावर टू होता है उसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है, जिस पॉलिनोमियल का पावर थ्री होता है उसको क्यूबिक कहा जाता है, जिस पॉलिनोमियल का पावर फोर होता है उसको बाइक्वाड्रेटिक कहा जाता है। और ये बात और बता रही कि पॉलिनोमियल कब आया, पॉलिनोमियल के बारे में किसने बताया, पॉलिनोमियल जो है वो 17th सेंचुरी में आया है और इसको लाने वाले भी रेने डिसार्टे थे। ठीक है, ठीक है, भले भी हम नाम रियल नंबर से बता चुके थे, रेने डिसार्टे का नाम 17th सेंचुरी में ये पॉलिनोमियल आया। तो बहरहाल हम लोग जो इस तरह से क्लासिफाई किए, इस बात हम लोगों ने जो हम लोग पढ़ना था, हम लोग को जो पढ़ना था वो पढ़ना था डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को, हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, हम लोग को पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन और इनइक्वालिटी क्या चीज होता है, ये नाम जो दिया हुआ है क्या है। तो पॉलिनोमियल जो होता है उसमें इक्वल का या इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं लगा हुआ होता, तो वो पॉलिनोमियल हुआ, जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ था वो इक्वल, जिसमें इनइक्वालिटी सिंबल लगा हुआ होगा वो क्या होगा बाबू आपका इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ेंगे। और इस प्रदेश जो टोटल है 12th क्लास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है इनइक्वालिटी से, और इनइक्वालिटी कोई भारी नहीं है, लगेगा आपको भारी देखने में मगर कोई भारी नहीं है, जब सॉल्व करने में जब कंसेप्ट क्लियर रहता है तो में कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री कितना होता है, टू होता है, उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो या तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म पे होगा, या तो वो ax स्क्वायर प्लस bx के टर्म पे होगा, या तो ax स्क्वायर प्लस c के टर्म पे होगा, या ax स्क्वायर के टर्म पे होगा। तो इससे ये बात क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें ax स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होगा, जिसमें ax स्क्वायर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में करेंगे तो उसमें कितना जीरोज होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होगा और बाइक्वाड्रेटिक में 4। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हो जाएगा 3, तो क्यूबिक में क्या कहा था, तो पहला वाला क्वाड्रेटिक में हो गया, पहला वाला पॉलिनोमियल जीरोस का नाम हो गया अल्फा और दूसरे वाले जीरोस का नाम हो गया बीटा, और फिर क्यूबिक में आया तो वो क्या हो जाएगा बाबू, उसका नाम है गामा, अल्फा बीटा उसका नाम गामा, गामा इस तरह से क्या सिंबल इस्तेमाल होता है देखो बाबू, क्यूबिक के लिए अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, उसी तरह चार के लिए होगा अल्फा बीटा गामा और थीटा, इस तरह चार का होता है। तो इस तरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल जो आज जो हमारा टॉपिक है, आज ज्यादा टाइम तो है नहीं जो हम उसको एक्सप्लेन करें, तो कल जो मेन बेसिक चीज है पूरा थ्योरी बताएं, इसको अच्छे से नोट बना करके हम आपको देंगे, उसको आप रख लीजिएगा, कभी भी आप पढ़िएगा या हायर एजुकेशन में जाइएगा 11th ईयर में तो आप ये पढ़ करके जाइएगा अपने क्लास अटेंड करने के लिए, तो आप किसी टीचर का जवाब दीजिएगा तो आपको टीचर कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा है, आप आकर ज्यादा केयर करेंगे वो, ठीक है। तो ये नोट को नोट हम आपको दो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का दे रहे हो, वो मैथमेटिक्स का दे रहे हैं अगर थ्योरी, तो वो आप रखिए कि बस पढ़ लिए हो गया, ये आपको बहुत आगे तक काम देगा इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास में, जब 12th में जाइएगा तो बेसिक मजबूत रहेगा तभी ना आप उसके बाद वाला कुछ अच्छे से समझ पाइएगा ये चीजों के बारे में। तो नेक्स्ट डेट हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो जीरो कैसे निकाला जा रहा है, अल्फा वैल्यू कैसे निकाला जाएगा और बीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, थ्योरी आप ही बताएंगे, उसके बाद हम उसका वैल्यू निकालिए एक्सरसाइज बताएंगे।
कि अल्फा अल्फा कैसे निकाला जाता है और बीटा कैसे निकाला जाता है। अगर ए एक्स प्लस ए प्लस बी ए प्लस सी होगा वो निकालना हम कल बताएंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, उसके बाद हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का जो सुन रहे को ये आज का जो टॉपिक था बाबू, इसमें किसी चीज को समझने में कोई दिक्कत हुआ? नो सर। ठीक है, तो हम आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और नोटिस हम आज दे देंगे, वैसे 3 बजे तक पहुंच जाएगा। ठीक है।